और ये हम लोग का फंदूक। यार अभी बादल चेक करें भाई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं सऊदी अरब। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, जी इसी की बात कर रहा था, हम लोग जा रहे हैं सऊदी। तो यार हम लोग की फ्लाइट है 10:40 और हमें निकलना है 6 बजे और अभी टाइम हो रहे हैं तकरीबन 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं अभी उठा हूँ, अभी तैयारी वारी करते हैं, टाइम भी बहुत कम है यार, अभी तैयारी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, अब चलते हैं नीचे। तो यार अभी 5:41 हो गए, हम लोगों ने अपने मेट्रो कैब को बुलाया था, 6 बजे बुलाया था, अभी हो रहे हैं 5:41। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, उससे मिल के जाना था। ये है उसका घर, हमारी कैब वो खड़ी हुई सलमान वो। अबे नहीं वो नहीं लग रही मुझे, वही है, चल देख के आते हैं। हाँ यही है। अबे इनकी सर्विस इतनी फास्ट है। तो यार हम लोग का लगेज वगैरह सब रेडी हो गया है। हम लोग मैक्सिमम सिर्फ 3 ही लगेज हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 हाँ 4 नहीं सिर्फ 3 है। बस नीचे चलते हैं, वो कैब भी कब से वेट कर रहा है। एक तो एंड टाइम में ना खुआरी बहुत होती है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है इधर से उधर इधर से उधर, पता ही नहीं चल रहा था कि हमें जाना कहाँ है। चलो खैर अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अल्लाहु रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो यार अभी हम लोग एंटर हो गए, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग का टाइम हुआ नहीं, हम लोग जल्दी आ गए थे, ये आप देख सकते हैं। सलाति वल सवाब दीनी या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी अयकंतु अन इलैका मरादी व मवादी। तो गाइस अभी हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं रहमत श्री, और ऊपर से नाश्ता भी नहीं किया यार। यार इन लोगों ने दिल नहीं भरता मिठाई पे, जब देखो मिठाई मिठाई मिठाई, ये कर दे ये कर दे ये कर दे, मिनिमम 10 किलो मिठाई तो ले ली है फिर भी ये लोग ले रहे, पता नहीं क्या करेंगे इतने मिठाई का। कितने हुए टोटल? चले तो देखा, देखता जी टी में जो होते है ना जो फुल वही वाली वाइफ आ रही है। यहाँ से लोग लिफ्ट में जा रहे थे, देखो क्या फर्मा रहे हो। क्या पहले हम यहाँ से गए थे याद है? हाँ पहले तकरीबन कितने 5 साल पहले ना, 4 साल पहले। ये आगे क्या लिखा हुआ इधर? तो बस हम लोगों का सफर यहीं पर ख़त्म हो गया। सोच रहे तेरी। तो गाइस हमें भूख लगी थी, सुबह नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता करके जो ना अभी मैं बैठा हूँ, ये देखो चाय पी रहा हूँ। अभी ये हो रहा है 9:15, बस 10 बजे अंदर जाना है, 10 बजे अंदर जाके फिर आपको जो ना वहीं मिलते हैं, बस चाय पी। फाइनली हम लोग आ गए और ये हम लोग की जहाज। यार थक गया भाई, लेट सो के बैठते पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मैंने, अब जाके एंटर होऊंगा। अल्लाह तेरा शुक्र, ये है हम लोग की जहाज, एंटर होने वाले हैं यार। तो गाइस अभी हम लोग आ गए अपनी सीट पे और हमें ना विंडो वाली सीट मिली है, आप देख सकते हैं, बस टेक ऑफ होने वाली है। अभी हम दिखाते हैं आपको फुल नज़ारे, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, आप टेंशन मत ले भाई। तो भाई साहब ये आंटी सिखा रही है हमें कि कैसे कैसे हैं ये सील कैसे बांधते हैं यार, मैंने यार हम एक हाथ से ट्राई करते हैं। ले भाई एक हाथ से भी हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हेलो गाइस, हम बैठ गए जहाज के अंदर, अभी टेक ऑफ हो रहा है, बाकी आप ये भी चेक करेंगे हमारे चलते हैं हमारे साथ देख करेंगे। तो ये सलमान, सलमान क्या कर रहे हो तुम? यार नज़ारे ले रहा हूँ, इंशाल्लाह भी जब ये जहाज ऊपर उड़ेंगे ना मैं आपको उसके नज़ारे कराऊंगा बादलों के।
और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। मौसम बड़ा वीआईपी है यार। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पिल्ले समझ रहे हो? मजेदार। तो गाइस टेक ऑफ होने वाले हैं। कुछ देख सी थोड़ा देख तो गाइस यही जहाज है, सेम टू सेम हमारा भी यही है, airarabia.com। यार हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं, अभी ये बस खड़ी हुई है। यार ये तो कहाँ लेके जाइए, ये हमें अंदर ले जाएंगे वेटिंग एरिया में। कहाँ अंदर ले जाएंगे? वेटिंग एरिया में, हाँ वहाँ जो ना हमें वेट कर रहे हैं। क्या उधर है साइड पे? वहाँ इस प्लेन पे आए थे हम लोग। यार अच्छा खासा बड़ा है यार, मुझे छोटा लग रहा था। रियाज के आगे की साइड से, इस साइड से बहुत रश है यार यहाँ तो। हाँ भाई क्या कर रहे हो? मोबाइल निकलवा लिया, अपने घर जाना है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए शारजा अल्हम्दुलिल्लाह। यार अब यहाँ पे ना 2 घंटे स्टे करना पड़ेगा, ये बड़ी खुआरी चीज़ है यार 2 घंटे स्टे करे। अब क्या करे बंदे को, तो स्टे करना ही पड़ेगा। चले करते हैं, चले मैं आपको ना जहाज दिखाता हूँ वो देखें आप। ये रश देखें, ये सारे रियाज जा रहे हैं, इतना रश है। अभी तक हम लोग ना लाइन पे लगे नहीं है, पहले ये लोग चले जाए फ्रम जाएंगे भाई। इतना रश है, कौन खड़ा है? क्या ले रहे हो यार? भाई कोई सा भी ले लो, बस प्यास बहुत लग रही है, पी लूँगा कोई सा भी। चुप कर बे कुत्ते। अभी ये क्या है भाई? यार बच्चों वाली चीज़ है, अल्लाह वाला करे कितने के 8 दरहम हैं यहाँ पे ना। मैं आपस की बात बताता हूँ, यहाँ पे ना एयरपोर्ट में आपको इतनी रशियन मिलेगी ना, आपकी सोच नहीं होगी। शारजा जाए जिसको भी चाहिए। चला जा भोसड़ी के। ये लो अब खोलो उसे। वाह भाई ये क्या था? यार ये क्या हरकत थी क्या? क्या बोला तू? अबे यार मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो यार फाइनली अभी हम लोग का इंतजार खत्म हो गया, हम लोगों ने 2 घंटे स्टे कर लिए, बस अभी हम लगने वाले लाइन पे। अभी बहुत रश है यार, लेकिन हम लोग जाएंगे एंड पे, क्योंकि भाई इतना रश है कौन खड़ा रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होगा यार, अब तो बस हम लोग भी निकलने वाले हैं। वो रही हमारी बस, पता नहीं है उल्टी है सीधी है बस होगा। तो चाहते जा रहे भाई फुल तीसरे में। ओए ओए देख रहे हो सर, फुल सपाटर है फुल। यार बाहर की जहाज ना अच्छी होती, पाकिस्तान की जो होती है ना बिल्कुल खत्म जहाज है भाई। यार पाकिस्तान के पास है लेकिन ये लोग करते नहीं है, आपको पता है सारे पैसे अल्लाह जो ना अच्छे होना दे, अल्लाह हिदायत दे। अभी नाम कुछ कह नहीं सकते यार, होना तो पाकिस्तान का सोना है सोना, पाकिस्तान को बनाए ना, और क्या कह सकते हैं।
गाइस हम लोग जाने वाले हैं अपने जहाज की तरफ। ये जहाज मैंने खरीद ली, मिस्टर बीस से खरीद ली मैंने। चार बार बोले बस मैं अपने प्राइवेट जेट में बैठने वाला हूँ। अल्लाह का शुक्र है कभी गरूर नहीं किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या नजारा है यार। अभी हम लोग टेक ऑफ हो चुके हैं, अभी हम लोग चलते हैं अंदर। हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी ये रियाद पहुंच चुके हैं। ये देखें, मौसम बड़ा टाइट है यार। एयरपोर्ट चेक करो यार, इतने खुवार लोग हैं भाई, ये खत्म ही नहीं हो रही। तो क्या है, ले भाई ले भाई, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इन लोगों के सस्ते नशे हैं भाई, अब क्या करें। अगर आपका पाकिस्तानी होता ना, नीचे से गुजर के चले जाता। गजब बेइज्जती है। तो यार अभी हम लोग की चेकिंग वेकिंग हो गई, अभी हम लोग आए अपना लगेज लेने। ये देखे यार कितना रश है। ले भाई माशाल्लाह से हम लोगों का लगेज आ भी है, फिर हम भी थोड़े मजे लें अपने लगेज के। क्या नाम है एयरपोर्ट का? किंग खालिद एयरपोर्ट। हमारी फ्री सर्विस चल रही है ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह लगेज वगैरह सब हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ लगेज वगैरह भी ले लिया। अभी हम लोग आए यहाँ पे सिम निकालने, क्योंकि बगैर सिम के यहाँ पे कोई ज़िंदगी है नहीं। उसे जैसे कि पाकिस्तान में होता है अपना जोम वारे यूफोन, यहाँ पे STC होता है, जैन होता है, एक कंपनी तो उसकी ये है STC। हम लोग यही निकलवाएंगे STC सवा। फिर जितने भी अरब खड़े हुए ना, सारे टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो, जैसे जितने भी है, जैसे हम जैसे लोग आते हैं ये लोग उनकी तरफ चले जाते हैं कि भाई टैक्सी वैक्सी चाहिए तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, बाबा ने इनको भेजा है। जो अंकल सामने दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये हमें लेके जाएंगे। गर्मी बहुत है यार वैसे। यार हम लोग आए थे दो गाड़ी पे, एक आए थे इस होंडा पे और दूसरी डाले पे, और ये है हम लोग का फंदूक, मतलब होटल अरबी में फंदूक बोलते हैं। चले चलते हैं। सामान तो गाड़ी के अंदर है, सामान गाड़ी के अंदर है, ऐसे ही चलते हैं। होटल बिल्कुल पप्पू बुक कराया है यार बाबा ने। मुझे इनकी ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ पे जाएंगे ना आपको ये चीज़ मिलेगी। चले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है हम लोग का रूम। इसी में थोड़ा सा में बैठ के यार थोड़ा आराम तो करूँ, थक गया हूँ यार। हम लोग का सामान आ गया। क्या हुआ? नहीं चल रहा, उसमें नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा यार? AC काम नहीं कर रहा। रिमोट कहाँ है AC का रिमोट कहाँ है यार? एक मिनट। तो गाइस हम लोग अपना व्लॉग यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और यार मैं थक गया हूँ भाई व्लॉग बना बना के। असल में ना कराची से शारजा और शारजा से रियाज, भाई बंदा ना ख़त्म हो जाता है। तो तकरीबन कितने घंटे की फ्लाइट थी? 12 घंटे सफ़र करके आया। 12 घंटे फिर मैं, लेकिन मैंने कहा व्लॉगिंग मैं करूँगा भाई, जो भी हो जाए बस तीसरे में व्लॉगिंग करूंगा। तो अभी हम लोग अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे।